छात्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब मुझे जानते ही हैं। आज हम सब मिलकर बात करेंगे आपकी नवीं कक्षा की संस्कृत में आप कैसे 10 से 12 नंबर बिना पढ़े केवल इस क्लास को सुने बढ़ा सकते हैं। जब आपने नवीं दसवीं के बच्चों ने पेपर किए और हमने देखा कि आपको वो आंसर याद हैं पर उसके बावजूद भी आप ठीक से लिख नहीं पाए, ये बीच में थोड़ा सा भूल गए, ये सारी समस्याओं का समाधान आज हम करेंगे। आज आपको निश्चित रूप से 2% यानी 10 से 12 नंबर का फायदा होगा। बस 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी और बात करेंगे आज आपके सुक्ति मोक्तगम पाठ के बारे में। 4 श्लोकों को देखेंगे और 4 श्लोक में से 2 आपको लिखना है जिसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और उन 2 में से एक तो 100% आपका अपठित या पठित जो पद्यांश आना है उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनना है ये आ सकता है। तो बिना किसी बात के बातें धन से शुरू करते हैं। ये आपको धन दिख रहा है क्या सामने आपके? और धन के लिए एक शब्द बहुत प्यारा आता है, बोलते हैं वित्त। वित्त मंत्री आपने सुना होगा। आज वित्त की बात करेंगे और आज बात करेंगे वृत्त की। वृत्त जानते हैं, गणित में वृत्त मतलब गोल होता है, परंतु यहां पर वृत्त मतलब गोल नहीं है, यहां पर वृत्त मतलब है चरित्र। तो आज हम लोग चरित्र की बात करेंगे क्योंकि आपका जो पहला श्लोक आपने याद किया है या आपको करना है ये वृत्त से ही शुरू हो रहा है। अब ये चरित्र या वृत्त है क्या चीज, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको यहां से नोट निकाल के 500 रुपए दे दूं तो आप उस 500 रुपए के नोट को तो दबा के रख सकते हैं, यहां अंदर रखा कोई ले ना जाए। भाई मेले में जाएंगे तो इस 500 के नोट को पकड़ के चलेंगे, भाई कोई लूट ना ले मेरा 500 का नोट। पर वृत्त यानी चरित्र की कैसे रक्षा करोगे भाई? उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक काम दिया कि घर पे जाके इस काम को करना है, पर क्या हुआ आपके दोस्त ने कहा चल बैडमिंटन खेलते हैं यार, तो आपने तुरंत बैट उठाया और बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। अब क्या किया, आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम है विद्या का अर्जन करना, वो नहीं किया और आप खेले में लग गए। इसका मतलब आपने अपने चरित्र में दोष लगा दिया। और ऐसे ही तो अपने चरित्र की रक्षा करनी है, जैसे 500 का नोट मेले में आप दबा के घूम रहे हो वैसे ही आपका चरित्र जो है उसी रक्षा कीजिए कि कोई भी दुश्मन आए चाहे दोस्त आए और कहे कि नहीं आप ये करिए वो करिए, आप कहे नहीं मैं विद्यार्थी हूं मैं विद्या का काम करूंगा, ये इस लोक में है। तो इस क्लास से आज आपके 2% यानी 10 से 12 नंबर का फायदा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। मैं वादा करता हूं आपको आलस नींद इन सब भाग जाने वाली इस क्लास से, आपके अंदर से एनर्जी आएगी और आपको भी आज तो वाकई में कुछ फायदा हो गया। तो शुरू रखना, लास्ट तक इस क्लास को देखना है और अगर अच्छी क्लास लग रही है तो इसको सब्सक्राइब ही कर लो ना यार। शुरू करते हैं। हाँ भाई वृत्तम, पहले मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूं, आप लोग को दिख रहा है ना ऊपर, मैं पढ़ता हूं। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततासीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। समझ में आ गया ना? अब मैं देख के बोलता हूं, अभी मैंने बिना देखे बोला। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततासीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मुझे पता है आपको सुनने में थोड़ा सा टफ लगा होगा, याद नहीं होगा, बिकॉज दूसरी बार मैंने हिप हॉप स्टाइल में बोला। इसका अर्थ समझते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, देखते हैं। वृत्तम, वृत्त मतलब मैंने क्या बताया, गोल नहीं, ये गणित का वृत्त नहीं है, वृत्त मतलब चरित्र। अब यहां पर वृत्त की जगह बिंदी और रखी है तो वृत्तम हो गया, वृत्त की जगह वृत्तम, जैसे रामा की जगह रामम तो द्वितीय विभक्ति होती है। आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा, आप तो यूं समझिए कि वृत्त की जगह वृत्तम लिखा है, इसका मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति में कुछ बच्चों को पता होगा अर्थ निकलता है को, तो इसका अर्थ निकलेगा वृत्त को यानी चरित्र को। यत्न, अब ये यत्नेन आपने नहीं सुना शब्द, आपने प्रयत्न शब्द सुना है, प्रयत्न बस, यत्न छोड़ो केवल प्रा हटा दो, इसका यत्न बस बचा। प्रयत्न और यत्न एक ही बात है, जैसे मैं प्रदीप तो प्रदीप में से प्रा हटा दो बचा दीप, दीप दिया दीपक एक ही बात है, प्रा आगे लगा दिया बस, तो बस ऐसे ही यहां यत्न आके प्रा लगा दिया। तो वृत्त को चरित्र को यत्न से प्रयास से मेहनत से संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। अब ये से कहां से निकला तो इसमें एक्चुअली यत्न के साथ साथ इसमें एन और जुड़ा हुआ है, ये तृतीय विभक्ति होती है और इसमें ये जुड़ जाए तो अर्थ निकलता है से। जैसे मैंने बोला राम ने रावण को मारा, किससे मारा तो कुछ लोग कहेंगे धनुष से मारा, नहीं भाई धनुष तो उनके ही पास था, उनने बाण से मारा, यूं चला दिया। हो सकता है कुछ लोग ने देखा होगा रामचंद्र ने धनुष उठाया दे दे कर दिया, नहीं
किससे मारा? बाण से। तो हम बाण नहीं लिखते हैं, फिर वाक्य में क्या आता है? बाणेन, बाण से, अर्थात बाणेन। ऐसे ही चारित्र के यत्न से, तो यत्नेन रक्षा करनी चाहिए। फिर लिखा वित्त, और जो वित्त है जिसको आप दबा के रखते हो उसके लिए अगर वित्त इसको अलग अलग करो तो ये हो जाएगा वित्त की जगह वित्तम धन एति। वो एति मतलब आता है और याति मतलब जाता है, याति मतलब जाता है और एति मतलब आता है। इसको अलग अलग करके देख लिया तो जो है वित्त को मेहनत से, परिश्रम से तृतीय व्यक्ति रक्षा करनी चाहिए विधिलिंग लकार, क्योंकि वित्त जो है अर्थात धन है वो एति यानी आता है और याति मतलब चला जाता है। जो पैसे आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, परंतु आज अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा वृत्त, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। और आगे अक्षीणो, इसमें ओ की मात्रा बन जाएगी विसर्ग, तो अक्षीण है, ये पुरुष की बात है। आपने विज्ञान में एक शब्द सुना होगा क्षीण, क्षीण का मतलब नष्ट हुआ और अक्षीण मतलब नष्ट नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति है वो अभी कैसा है? अक्षीण है अर्थात नष्ट नहीं हुआ। कब तक नष्ट नहीं हुआ? कह रहे हैं यदि वो वित्त, वित्त मतलब धन, और अंत में तह लगा दिया, जैसे मैं बोलूं ग्राम तह, ग्राम तह, तो तह का मतलब निकलता है से, ऐसे ही वित्त तह अर्थात वित्त से, नगर तह अर्थात नगर से। तो कह रहे हैं अक्षीण है कोई भी व्यक्ति अर्थात नष्ट नहीं हुआ यदि वित्त से अर्थात धन से क्षीण है। यदि धन से कोई व्यक्ति नष्ट हो गया है अर्थात गरीब हो गया है तो भी अभी वो कैसा है? अक्षीण है, ठीक है ना। परंतु यदि वृत्त तस्तु, इसको अलग अलग करो तो ये हो जाएगा वृत्त तह धन तु, इसका बन जाएगा विसर्ग, ये वृत्त तह तु। तो कहना परंतु वृत्त तह, जब वृत्त तह का अर्थ निकला था वृत्त से, तो वृत्त तह का अर्थ नहीं लेगा चरित्र से। तो कह रहे यदि चरित्र से हतो अर्थात नष्ट हुआ, यदि चरित्र से नष्ट हो गया तो फिर हतः अर्थात वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। यदि कोई बालक एक दो बार आपकी क्लास में ऐसा पकड़ा जाए कि चोरी करता है तो फिर उसका चरित्र गया, जीवन बर्बाद, उसे सब लोग कहेंगे चोर है चोर है चोर है, ये बात अलग है कि उसका कारण कोई नहीं जानेगा पर इसे क्या कहा जाएगा वो चोर है। तो यही है इस श्लोक में, पूरी श्लोक में यही बात की गई है कि वित्त की मेहनत से रक्षा करनी चाहिए, जो धन है वो तो आता है। अब वित्तम में एक ही मात्रा और मिला दी तो ये पूरा मे बन गया, धन आता है और जाता है, परंतु अक्षीणो वित्तता क्षीणो, कोई भी व्यक्ति अभी नष्ट नहीं हुआ जब तक केवल वो धन से नष्ट हुआ है, परंतु वृत्त तस्तु अर्थात वृत्ततः धनतु गया तो हता हता मारा गया नष्ट हो गया। इसलिए किसकी रक्षा करनी है? धन की करो तो, पर पहले वृत्त अर्थात चरित्र की रक्षा करनी है। अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और इसको देखते हैं। जैसे ये लिखा वित्त जो है, एक आदमी के पास में नोट है, धन है, आता है और जाता है, तो वित्तम अलग अलग करें इसे तो क्या हो जाएगा? वित्तम धन एति, इसका ये हुआ। तो वित्त आता है और याति मतलब जाता है। फिर आगे लिखा था वृत्त तस्तु हतोता, और धन से तो तू, एक अभ्यास का अर्थ निकलता है तू, धन से तो हतो हता अर्थात गया सो गए गया, ठीक है ना। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्त तस्तु, अब कोई व्यक्ति टेबल के नीचे से रिश्वत ले रहा है, देखो ये व्यक्ति रिश्वत ले रहे हैं तो ये चरित्र का नुकसान हो रहा है। तो कह रहे हैं अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन से गया तो कुछ नहीं गया परंतु वृत्तता तू अर्थात चरित्र से गया तो सब कुछ गया, ये यहां पर एक बात है। अब एक बहुत सरल श्लोक है, इसको भी देखते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सरल है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, बोलिए श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। श्रूयताम क्या मतलब है? सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? धर्म सर्वस्वम, यहां पर धर्म से मतलब मत, मत किसी की बात को या किसी के विचार को श्रूयताम सुनना चाहिए, सर्वस्वम अर्थात सभी की, सभी की बातों को सुनना चाहिए, सुनना ध्यान से चाहिए। और फिर श्रुत्वा, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कित्वा। श्रुत्वा का कित्वा प्रत्यय का अर्थ निकलता है करके, और अब सुन लिया ना, किससे सुनोगे? इसे सुनोगे ना, तुम अपने ही कान से सुनोगे, लड़की अपने कान से सुनेगी जिसने ढक रखा है, पर आपको ढकने नहीं, आपको सुनना है।
तो कह रहे हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सुनना चाहिए सभी के धर्म को, और श्रुत्वा अर्थात सुन करके ही चैव धार्यताम। अब ये आपको मान लो समझ में ना आए तो मैं इसको बता देता हूं कैसे अर्थ होगा इसका। श्रुत्वा अर्थात सुन करके ही चा धन एव धन अवधार्यताम ऐसे निकलेगा। चा मतलब और, सुन करके और, एव मतलब हिंदी में होता ही, तो सुन करके ही अवधार्यताम। अभी वड़ा है दीर्घ संधि हो गई, इसके और इसके जोड़ होगा तो दीर्घ संधि होगी, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। श्लोक का अर्थ समझना है तो संधि पहले सीखनी होगी। तो सुनना चाहिए सभी के धर्म को, सुन करके ही अवधार्यताम अर्थात धारण करना चाहिए। बिना सुने किसी ने कहा अब आपका कान कौवा ले गया तो आपने कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, और कुछ लोग अपना कान ही देखने लगे यार कान ले गया कि झूठ मूठ बोल रहा। अरे भैया तुम्हारा कान है, कौवा कैसे ले जा सकता है, ध्यान लगाओ, ध्यान से सुनो। यहां सुनने से मतलब नहीं हाँ सुन लिया भाई सुन लिया, और सुना ठीक से नहीं है ना, मम्मी ने बोला ये काम कर दो हाँ कर देंगे और किया नहीं। तो कहने सुनना चाहिए सभी की बात को, सुन करके ही अवधारेताम उसको धारण करना चाहिए। और कह रहे हैं फिर क्या, आत्मनः प्रतिकूलानि, क्या मतलब आत्मनः, इसमें नः पंचमी व्यक्ति आ गई है। आत्म मतलब स्वयं, स्वयं से प्रतिकूल अर्थात विपरीत, तो स्वयं से पंचमी व्यक्ति अर्थात से, स्वयं से प्रतिकूल अर्थात उल्टा, स्वयं से कोई चीज बात उल्टी है प्रतिकूल है तो स्वयं से प्रतिकूल बात को परेशान, परेशान षष्ठी व्यक्ति, पर मतलब दूसरा, जो हमें अर्थात स्वयं से विपरीत प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, मेरे मन का नहीं है, प्रतिकूल मतलब मन का ना होना, तो स्वयं के मन की जो बात नहीं है वो बात परेशान अर्थात दूसरों से न मतलब नहीं समाचरित, जो बात मेरे मन की नहीं है वो बात दूसरों से नहीं करनी चाहिए, ये यहां कह रहे हैं। परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार समझते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अब समझ में आ गया, बिल्कुल सरलता। अगला श्लोक और देख लेते हैं क्या है भाई। देखो सुनना चाहिए सुन करके, ये मैंने संधि विच्छेद भी किया है, चा एव अवधार्यताम। देखो इसने ध्यान से सुना, दोनों लोग बोल रहे हैं श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुन करके ही अवधारण करना चाहिए। आगे बहुत सरल प्यारा बहुत ही मजेदार श्लोक है, कह रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। फिर से देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय मीठा, ऐसे नहीं किसी को भी जाके बोल दो प्रिय, ऐसे नहीं, प्रिय से यहां मतलब मीठा अच्छा मधुर। प्रिय वाक्य प्रदानेन, वाक्य प्रदान, अब इसमें तृतीय विभक्ति अर्थ क्या निकलेगा इससे, तो किसी को मीठा मीठा देना नहीं है, यहां प्रिय वाक्य प्रदान करने से मतलब है मीठा बोलने से। वाक्य तो किसी को दोगे नहीं, आपने लिखा आप बहुत अच्छे हैं और लिख के दे दिया, वैसा नहीं है, यहां देना नहीं है बोलना है। प्रिय वाक्य के प्रदान करने से अर्थात बोलने, अब ये एन लगा है मतलब तृतीय विभक्ति अर्थात से, प्रिय वाक्य के बोलने से सर्वे अर्थात सभी तुष्यन्ति संतुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, सभी जीव संतुष्ट, जंतु कौन होते हैं संतुष्ट, जंतुवा। अब यहां बात शुरू होनी थी, सभी जंतु प्रिय बोलने से तुष्ट होते हैं, परंतु श्लोक बनाने के लिए उन्होंने लिख दिया प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा, सबसे लास्ट में फेंक दिया, तरीका है श्लोक लिखने का। फिर आगे तस्मात् तदेव वक्तव्यम, आगे कह रहे हैं अगर आप प्रिय वाक्य बोलोगे तो सभी जीव संतुष्ट होंगे, इसीलिए तस्मात, इसीलिए तदेव, इसको अलग अलग करो, तत धन एव, इसीलिए वैसा ही, एव मतलब ही, वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए, तब्य प्रत्यय, इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए जैसा लोगों को सुनना पसंद हो। आपको अपनी जो बात कहनी है वो ही करिए, परंतु बोलिए तरीके किस तरीके से, जो तरीका अच्छा हो। तो तस्मात तदेव वक्तव्यम, जैसे कोई आपको किसी को गालियां देनी है तो क्या बोलोगे, गालियां देने ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अप्रिय होती है, उनका कोई तरीका ठीक हो ही नहीं सकता। पर आपको किसी की ये बोलना है कि आप ठीक नहीं है, तो
तो आप तरीका आप अपनाइए कि आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया पर आपने ये बहुत गलत काम किया, तो आप इसको सरलता से लीजिए, भाई साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने मेहनत भी बहुत अच्छी की, परंतु इसमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसमें आप मुझे बहुत बुरे लगे हैं, आप इसको सुधार लीजिए ना। तो वो कहेगा यार इसने मुझे कितना मारा बोल बोल के, पर इतने प्यार से मारा, प्यार से लोग सुन लेते हैं। तो इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए, वचने इसमें सप्तमी व्यक्ति है और अर्थ निकलेगा वचने अर्थात वचन में कहां दरिद्रता, कौन सी दरिद्रता, वचन में क्या गरीबी होनी चाहिए, कोई गरीबी नहीं वचन में, अर्थात वचन में हमेशा ऐसा हो कि अमीर हैं आप, वचन से आप गरीब ना लगे, ये यहां पर बात है। आशा है आपको तीनों श्लोक समझ में आएंगे, तीन में से एक श्लोक तो उसमें आपके पेपर में आ जाएगा, दो श्लोक आप लिख दीजिएगा। पुनः मिलते हैं, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लो, ना करना हो तो हमारा क्या जाता है, पर यह बात पक्की कि आपको जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक इस चैनल पे आपको काम आएगा और बुढ़ापे तक आएगा। ठीक है, नमस्ते।